Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, वैसे तो हम सभी हैं कोरोना से परेशान, लॉकडाउन से परेशान है, घर में बैठे हैं, लाइफ रुक गई है। तो लेकिन इसी तरह शहनाज गिल भी बहुत परेशान है, घर में बंद है, पिछले कई महीनों से घर से बाहर है, लेकिन इस बीच भी वो लोगों को मोटिवेट करती रहती हैं, फनी वीडियोस बनाती रहती हैं टिकटॉक पे। जैसे उन्होंने पहले लोगों को ताकीद की थी घर पे बैठे रहने की, के वो जो वाला कुछ शेर उन्होंने बोला था कि यूं तो सभी को ऊपर वाले ने गम दिए हैं कि घर पे टिक्के नहीं बैठ सकते, आपको भी तो बम दिए हैं, ऐसा कुछ था, मुझे करेक्टली पूरा याद नहीं है तो, लेकिन बड़ा अच्छा था। और फिर बाद में वही शहनाज गिल की बड़ी प्यारी सी हंसी। तो अभी हाल में उन्होंने जब फिर से लॉकडाउन बढ़ गया और आगे भी बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं, तो शहनाज गिल ने क्या कहा है, तो ये देखिए वीडियो में क्या कहती हैं शहनाज गिल। यार ये जो हमारे द ग्रेट खलीफा जी थे ना, वो भी बेचारे 7 या 8 फुट पे जाके रुक गए थे। ये जो लॉकडाउन है ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, बढ़ते जा रहा है यार। क्यों दोस्तों, खली साहब के बारे में ये भी उठा था कि ये कौन था 8-9 फुट लंबा आदमी जो लखनऊ की गलियों में घूम रहा था, ऐसा भी आया था। तो लेकिन ये खली जी का उन्होंने साथ में उदाहरण देके कह के खली भाई अपने भैया जो हैं भी 8-9 फीट के बाद रुक गए थे, ये कोरोना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो कब रुकेगा कोरोना। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये शहनाज गिल की ऐसी हंसी वाली टिकटॉक वीडियोस कहीं ना कहीं एक मेंटल रिलीफ देती रहती हैं। क्या कहते हो, देती रहती है ना। वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।